नरेश कुमार मोहाली पंजाब से बेसिकली बाई प्रोफेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और पिछले कुछ सालों से मैं अमूल्य हर्ब से जुड़ा हूँ और मैं शुक्र शुक्रिया करता हूँ अमूल्य हर्ब के एम डी डॉक्टर मनीष मरवाहा जी का जिन्होंने इतना खूबसूरत बिजनेस ये दिया और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया हमारे लिए और स्ट्रगल कर रहा था मैं अपनी लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होते हुए और उसके बाद जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो मुझे अचानक मेरे दोस्त ने बताया और मुझे अमूल्य के एक ही चीज़ पसंद आई कि इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसके बाद मैंने शुरू किया शुरू में काम करते करते बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली सीखने को इसलिए क्योंकि स्ट्रगल इसलिए करना पड़ता है कि मैं बाई चांस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से और आयुर्वेदिक में आया और जब मैंने काम शुरू किया तो बहुत सारी चीज़ों का सामना किया उसके बाद मैंने इसको जब सीखता गया और करता गया और बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हुई हमारे साथ बहुत सारी चीजें जैसे कि बहुत सारे लोग ना करते हैं तो ना सुनते सुनते मैं आता गया लेकिन एक ही चीज है कि मैं जुड़ा रहा एक ही चीज से किस चीज़ से अपने आप से क्योंकि सबसे पहले मुझे एक चीज लगी कि मुझे अपने आप पे विश्वास होना चाहिए उसके बाद मुझे कंपनी पे विश्वास होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट के ऊपर मेडिसिन के ऊपर विश्वास होना चाहिए कंपनी के ऊपर और सबसे बड़ी बात की सबसे बड़ा विश्वास जो मैंने पहले बोला कि अपने ऊपर होना चाहिए और वो विश्वास ही मुझे आज यहाँ पे डायमंड लेवल पे लेकर आ पाया आज मैं डायरेक्टर क्लब में हूँ मुझे बहुत बड़ी खुशी है एक ही चीज सीखने को मिलती है दोस्तों यहाँ पे कि हमें टिके रहना है और टिक कर इसको सीख कर काम करना है होता क्या है कि हम पिछला जो दिमाग है या पिछला जो एक्सपीरियंस है उसको अपने काम के साथ में जब जोड़ते हैं तो हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो मैं आपको यही मैसेज दूंगा कि इसको एक दिमाग में जो पिछला एक्सपीरियंस है उसको छोड़कर अगर हम इसको शुरू में सीख कर काम शुरू करते हैं जीरो को अपने आप को जीरो मानकर शुरू करते हैं तो हम इसमें जरूर कामयाब होते हैं आज यही कारण है और मैं खुद मैं महसूस कर रहा हूं आज मेरा परिवार महसूस कर रहा है आज जो मेरी जिंदगी में बदलाव आया अमूल्य हर्व की वजह से वो एक ही कारण से आया कि टिके रहना है सीखते रहना है बहुत सारे लोग आप बातें बनाते हैं बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि ये कौन से काम में पड़ गया कहाँ चला गया और ये सब चीजों को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ते रहना है टिके रहना है क्योंकि मैंने एक ही चीज देखी है सीखना है किसके किससे सीखना है अपने आप से सीखना है बहुत सारी मोटिवेशनल किताबें होती हैं उनसे सीखना है और सबसे बड़ी बात जब आप शुरू करते हो तो आपका जो एक्सपीरियंस आपकी जो गलतियां हैं वो गलतियां ही आपको बहुत कुछ सिखाती हैं और गलतियों से ना डरें और चलते जाएं, सीखते जाएं, उन गलतियों से सीख कर ही हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि मैंने एक चीज़ सीखी थी आपने देखा होगा कि महाभारत में अर्जुन जो है, श्री कृष्ण जी के भक्त हैं और रामायण में की बात करें तो वहाँ पे श्री हनुमान जी श्री राम जी के भक्त हैं कृष्ण जी की बात कभी अर्जुन मानता नहीं था और हनुमान जी श्री राम जी की बात मानते थे और वो मानते थे तो आज उनके हर जगह पे मंदिर हैं और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोगों के मंदिर हो सकते हैं लेकिन हमारी एक छाप आपकी टीम के अंदर हो सकती है और वो तभी होगी जब आप बात मानोगे किसकी बात आपकी अपलाइन की बात मानते रहें और आगे बढ़ते रहें थैंक यू थैंक यू वेरी मच